अजित पवार पर एक सवाल, आप उनको रूल आउट नहीं कर रहे इन द फ्यूचर, आप अभी भी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत आपकी फॉन्डनेस है उनके लिए, आपको नॉस्टैल्जिया है, आपको लगता है, आपको आपको मुझे आपको लगता कहीं ना कहीं 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 ना कहीं उससे ज्यादा आपको नहीं, मुझे मुझे नहीं है आपको ज्यादा प्रेम है, आपको 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 देवेंद्र फडणवीस जी घूम फिरा के, मैं घूम फिरा के उसी सवाल पे और ही आ रहा है, मुझे लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं आपके, मैं यू लाइक अजित पवार, यू लव अजित पवार, नो नो नो, आई एम रीडिंग योर माइंड, यू लाइक अजित पवार, यू लव अजित पवार, यू हैव अ पॉलिटिकल फॉन्डनेस फॉर अजित पवार, यू हैव अ फॉन्डनेस फॉर अजित पवार, यू हैव अ पॉलिटिकल फॉन्डनेस, क्योंकि आप घुमा फिरा के आप एक सुपर अलायंस बनाना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, प्लीज एक्सेप्ट सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजित पवार को कहां पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर, नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा, यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन, क्यों नहीं बोला मैंने, मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना यह था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा, इसलिए पॉलिटिक्स में चीजें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीजें परिस्थिति से तय होती है, और परिस्थिति आज की ये है कि उनकी पार्टी शरद पवार जी चलाते हैं, शरद पवार जी ही निर्णय लेते हैं, अन्य कोई निर्णय ले नहीं सकता, और शरद पवार जी का निर्णय हो चुका है, शरद पवार जी कांग्रेस और ये जो कई पार्टियों का जो गठबंधन बना है उसमें वो चले गए हैं, तो उनके खिलाफ हमको लड़ना है, हम लड़ेंगे, उनको परास्त करेंगे, हम लोग वापस चुनकर आएंगे।